दिल्ली में कड़कती सर्दी में शाहीन बाग में औरतें CAA, NRC, NPR के खिलाफ धरने पर बैठी रहीं। इस धरने का एक जो चेहरा बन के उभरी थी वो वहाँ की दादियाँ और नानियाँ। टाइम्स की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में जिनका नाम आया है बिल्किस दादी शाहीन बाग से अभी हमारे साथ हैं। जिस तरह से कड़कती सर्दी में भी आप लोग बैठे रहे, लगातार वहाँ पे अपना घर बार छोड़ के औरतें बैठी रहीं, ये प्रेरणा कहाँ से आई कि आपको इस तरह से विरोध प्रदर्शन अपना करना चाहिए? ये वहाँ से आई, जामिया में बच्चे मारे ना, हम पर बर्दाश्त नहीं हुई। ये भी हमारे बच्चे, हिंदू के हो, मुसलमान के हों, सिख के हों, ईसाई के हों, सब पढ़ने के तो आए, कोई बुरा काम तो ना करा है। आँसू बोले छोड़े, किसी की आँख फूटे, किसी की टांग कटे, किसी के हाथ कटे, कितने बेदर्दी से मारे, बर्दाश्त नहीं हुई। इस वजह से बैठे आज हमारी मौजूदगी में इतना कर रहे हैं, कल को हमारा दम ना हुआ तो क्या होगा है? जब पब्लिक ना होगी तो राज किस पर करोगे तुम है? तो अभी जो आपका नाम आया है टाइम्स मैगजीन की लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, लोगों को प्रेरणा देने वाले लोगों की लिस्ट में, बहुत बड़ी चीज़ होती है, कैसा लग रहा है उसके बाद? अच्छा लग रहा, थोड़ा सा एहसास भी हो रहा, किस लिए बैठे वो हमारा काम अभी हुआ नहीं, कोरोना आ गया बीच में, CAA का NRC के विरोध में बैठे वो अभी हमारा चालू है। धरने पर तो बैठेंगे नहीं हम, पर सरकार से मांग हमारी चालू रहेगी। तो अभी धरने पे नहीं है, लेकिन मांग यही है कि CAA हटाना चाहिए, NRC NPR नहीं होना चाहिए। हाँ, जो पहला कानून है उसको ही रखो। तो ये बच्चे जेल में है, बेखता बेकसूर बच्चे पड़े हैं जेल में, लेकर कोई शिक्षा मिल जाएगी है? है? और 20 साल पीछे हो गई, तब 20 साल पीछे हो गई, आगे थोड़ा इधर ही है, बढ़ना चाहिए आगे और पीछे हो गई, तो ये कौन से कानून है? ये एक बहुत अच्छी बात कही दादी ने कि बच्चे जो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे, जिन एक्टिविस्ट को जेल में भेजा गया है, अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो उनका क्या भविष्य होगा। हाँ। और ये भी कहा आपने कि सरकार से जो आपकी मांग है वो अभी भी बरकरार है, चाहे कि प्रोटेस्ट ना हो रहा हो। हमारे दिलों में तो है वो। हाँ। हमारी मांग पूरी ना हुई तो मांग तो हम करते रहेंगे, ज्यादा वापिस इसे ना लेंगे, वापिस ले लो, कुछ भी लड़ाई नहीं हमारी, क्या लड़ाई, अब भी लड़ाई नहीं है। हम तो मांगे तो रहे, अपना हक की तो मांग रहे हैं, माल दौलत तो मांगना रहे तुमसे, जो हमें जमीन दियो, क्या पैसा दियो, क्या कुछ दियो, अपना हक मांग रहे हैं। और आवाज़ उठानी भी ज़रूरी है, आवाज़ ना उठाएंगे तो सरकार तक पहुँचेगी कैसे? आवाज़ उठाएंगे जब तक पहुँचेगी, तुम वाल कहो और कहो, जब तक वहाँ तक बात जाएगी, और अपने घर में बैठेंगे तो क्या होगा, कुछ भी और न्यू कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, खाना ही बना सकते हैं, अगर खाना ना बना सके, ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर भी निकल सकें, ज़रूरत पड़ेगी तो आवाज़ भी उठा सकते हैं, जब इंसान पैदा कर सकता है ये औरत तो आवाज़ नहीं उठा सकती, इतनी हिम्मत है, बराबर का हक है आदमी का, औरत का बराबर का हक। बिल्कुल सही बात, आवाज़ उठानी ज़रूरी है, और हम तो जो सब बहन अपनी आवाज़ उठाओ, घर से बाहर निकलो, ज़रूरत पड़े तो बाहर भी निकलो, यूँ नहीं है जो घर में बैठ कर कर रहे हो। तो ये भी आपने कहा कि सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है। हाँ, अभी भी आपने कहा था कि सरकार से बात, अभी भी आकर के बात करे, लगातार जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी वहाँ लोग यही कह रहे थे, हमने तो यही बात, सरकार हमारी बात सुनो, किसानों की भी, हमारी भी, पंजाबियों की, सबकी बात सुनो और हमारी मांग पूरी करो। तो अभी प्रधानमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं पीऊंगी। प्रधानमंत्री जी को कोई संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही देना चाहें, प्रधान जी हमारे बेटे, हमने जन्म दिया, हमारी बहन ने दिया, हाँ कैसे हमने अपने बच्चों को जन्म दिया, उनकी अम्मी ने उन्हें दिया, हमारे बेटे हैं, क्या माँ का कहना ना मानेंगे? इतनी सी बात, जरा सी बात है, जुबान इंगे से इंगे खुदा दे, तुम भी खुश हम भी खुश, तुम भी अपने साज में रहो, हमारे ये बच्चे भी सब जो पूरे इंडिया के हैं, पूरे हैं, सब हमारे बच्चे हैं, और सबके तय हम लड़ रहे हैं, कोई गैर थोड़ा नहीं है, सब अपने ही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इनके बेटे की तरह हैं, ये बिल्किस दादी का कहना है शाहीन बाग की, और उनका कहना है कि आ करके सरकार को, प्रधानमंत्री को उन लोगों से बात करनी चाहिए। जब तक सीएए कानून नहीं हटेगा, एनआरसी एनपीआर को सरकार रोल बैक नहीं करेगी, तब तक उनका जो प्रोटेस्ट है, चाहे अभी फिजिकली धरना ना हो रहा हो शाहीन बाग में, लेकिन विरोध अभी भी जारी है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।